पाएं 1,00,000 रुपए जीतने का मौका। भाग लें आज तक के ऐप के चुनावी पंडित कॉन्टेस्ट में। विश्व हिंदू महासभा के अध्यक्ष रंजीत बच्चन की हत्या में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। लखनऊ पुलिस ने देर रात रंजीत बच्चन हत्याकांड के शूटर को एनकाउंटर में घायल कर पकड़ लिया है। साइबर सेल और क्राइम ब्रांच की टीम को शूटर जितेंद्र वर्मा के भागने की खबर मिली, जिस पर उन्होंने उसकी घेराबंदी करनी शुरू कर दी। बाइक से भाग रहे इस बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए लोक बंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल बदमाश के पास से एक पिस्टल और बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। सर क्या हुआ है यहाँ पर, किसका एनकाउंटर हुआ है? एक बदमाश जो भाग रहा था उसकी सूचना इंस्पेक्टर गंज को मिली थी, उन्होंने वो सूचना इंस्पेक्टर आलमबाग से शेयर की। दोनों टीमों ने यहाँ पर घेराबंदी की और उस क्रॉस फायरिंग हुई। बदमाश द्वारा दो फायर किए गए, इस पे पुलिस ने धैर्य रखते हुए एक फायर किया जिससे बदमाश घायल हो गया, उसको हमने हॉस्पिटल रेफर करा दिया है। कौन था ये बदमाश और किस जगह पे ये घटना हुई है? ये कैंट एरिया पड़ रहा है, कैंट एरिया का थाना क्षेत्र आलमबाग है और बदमाश ये अभी एक हत्याकांड हुआ था तो उसने नाम पता तस्दीक करते हुए अपना नाम जितेंद्र वर्मा बताया। सर किसकी हत्या हुई थी? रणजीत भट्ट की हत्या हुई थी, उसमें ये शूटर था और इससे एक पिस्टल की रिकवरी हुई है, गाड़ी मिली है, बाइक मिली है, जिसको हम तस्दीक कराएंगे कि ये गाड़ी कहाँ की है, किसकी है, अभी तक उसमें नंबर प्लेट नहीं मौजूद है। वही इस मामले में पुलिस ने 2 दिन पहले रंजीत की दूसरी पत्नी और उसके एक दोस्त को गिरफ्तार किया था। लखनऊ पुलिस ने इस साजिश का खुलासा करते हुए बताया कि रंजीत बच्चन की दूसरी पत्नी स्मृति भी इस हत्याकांड में शामिल थी। पुलिस के अनुसार स्मृति और रंजीत के बीच तलाक का मामला कोर्ट में होने के बावजूद भी सुलझ नहीं रहा था, जबकि स्मृति किसी और से शादी करना चाहती थी लेकिन तलाक ना होने की वजह से वो शादी नहीं कर पा रही थी। तभी उसके दिमाग में इस खौफनाक साजिश ने जन्म लिया और उसने रंजीत को रास्ते से हटाने का मन बना लिया। उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर इस खौफनाक साजिश को अंजाम दे डाला। पुलिस ने इस हत्याकांड की जांच के दौरान 70 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, तब जाकर पता चला कि इस हत्याकांड में स्मृति का पुरुष मित्र भी शामिल था। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि रंजीत बच्चन की 1 फरवरी को बाइक सवार हमलावरों ने सर पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना हजरतगंज इलाके में ग्लोबल पार्क के पास हुई। फायरिंग के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए, जबकि रंजीत को तुरंत लखनऊ ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। इस वारदात में रंजीत के छोटे भाई आदित्य को भी गोली लगी थी जो घटना के वक्त उनके साथ थे। इस वारदात के बाद 2 PRV पुलिसकर्मियों, 1 कांस्टेबल और 1 चौकी प्रभारी सहित 4 पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया था। पुलिस ने हत्या के संदिग्धों की CCTV फुटेज जारी करते हुए 50,000 रुपए के इनाम की घोषणा भी की थी। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ यूपी तक।